एवरीवन, वेलकम टू सिटी पाई सुपर गाइड। मेरा नाम है काशुकुल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई आपके फाइनली बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। अब अगला पड़ाव है आपका सीयूटी एग्जामिनेशन। सीयूटी एग्जाम में जो भी आपने सब्जेक्ट टेस्ट फिल करे हैं, जिस सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर भी आप अपीयर होने जा रहे हैं, वहां पर आपका टारगेट होगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर 100% लेकर आना। अमूमन देखा जाता है कि बच्चा एक इंग्लिश लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट में अपीयर होता है, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मैक्सिमम कोर्सेज 90 से लेकर 95% कोर्सेज के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो मैक्सिमम स्कोर 800 बनता है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि कैसे स्कोर करना है 800 में से 800। अब आपकी इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने जो भी सीखा है उसको अब सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन में कैसे अप्लाई करना है, और जो जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में छूट गया था अब उसको कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहली बात, आपको हाउ टू स्टार्ट, मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो यार, यू हैव टू स्टडी द पीवाईक्यूज। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े। देखिए, एक जैसे बॉलीवुड फिल्में अगर हम देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कई बार जो है हीरो या फिर कोई भी विलन एक लाइन जरूर बोलता है कि अगर दुश्मन को मारना है तो पहले दुश्मन को पहचानो, है ना। तो यही अप्लाई यहां पर करना है। अगर आपको सीयूटी एग्जाम को फोड़ना है तो पहले से सीयूटी एग्जाम को समझो। वो कैसे समझोगे भाई, एग्जामिनेशन तो आपको पता है कि भाई इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट में, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, ये इतने मिनट का होगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से सवाल जो है वो बदल रहे हैं, किस तरीके से 2022 में जो आए थे 2023 में नहीं आए हैं, या 2022 के कंपैरिजन 2023 में एग्जामिनेशन का रुख कैसे बदला है। तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न का अंदाजा होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन का अंदाजा होगा। यार, सीयूटी एग्जाम का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ेंगे तो आप पता लगाएंगे कि यहां पर तमाम तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड हो, केस स्टडी बेस्ड हो, पैराग्राफ बेस्ड हो, असलता रीजन बेस्ड हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, मैच द फॉलोइंग बेस्ड हो, या फिर कोड फाइंड करने वाले क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आपको ये अंदाजा होगा, डिफिकल्टी लेवल का आपको पता चलेगा, खासकर ये पता चलेगा कि 2022 में डिफिकल्टी लेवल क्या था, 2023 में क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्या ऐसा ग्राफ बन रहा है कि 2022 में ये डिफिकल्टी लेवल है अगर यहाँ पर, तो 2023 में क्या डिफिकल्टी लेवल इतना ऊपर गया है, तो चांसेस है कि 2024 में डिफिकल्टी लेवल ऐसा जाए। तो आपको इस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, ये सभी जब एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो यू विल प्रिपेयर द फाउंडेशन ऑफ द स्टडी प्लान। अब ये क्या है, ये एक जन्म दे देगा उस सोच को कि यार इस सोच के साथ मुझे स्टडी प्लान बनाना है अपनी सीयूटी 2024 की प्रिपरेशन का। कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगा, सेक्शन वाइज। 3 सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज का, डोमेन का और जनरल टेस्ट का। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको बताएं हम प्रिपेयर अ परफेक्ट स्टडी प्लान। खासकर अगर मैं यहां बात करूं डोमेन की, तो डोमेन का कैसे एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाना है वो सबके सब सुन लो। देखो, प्रिपेरेशन, रिविजन और एग्जीक्यूशन, ये 3 फैक्टर होते हैं किसी भी स्टडी प्लान में। अगर कोई भी ये 3 फैक्टर नहीं है, इनमें से एक भी मिस है, तो वो स्टडी प्लान कभी भी जिंदगी में कारगर नहीं होगा। उस स्टडी प्लान के अंदर प्रिपरेशन भी होनी चाहिए आपकी, आपको रिवीजन करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है। प्रिपरेशन इंक्लूड्स वन शॉट या फिर एनसीईआरटी रिवीजन। भाई वन शॉट देख लो, एनसीईआरटी से रिवीजन कर लो, जो भी आपने हाईलाइट करे थे उनको एक बार रिवाइज करो, वो सब चीजें चैप्टर्स, और डिलीटेड टॉपिक्स से डिलीटेड चैप्टर्स आपको कवर करने हैं फ्रॉम द बेसिक लेवल। इसके बाद कीप रिवाइजिंग फ्रॉम योर नोट्स या बुक्स, जो भी आपने नोट बनाए हैं या फिर डिलीटेड, मतलब जो भी आपने क्लास 12 की प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए थे, और ये जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं इनके जो आप न्यू नोट्स बनाओगे इनको यू हैव टू कीप रिवाइजिंग टाइम टू टाइम। ये लोग आप इन चीजों को रिवाइज करते चलो, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करते हो वो जो चीजें हैं उतनी ही जहन में आपके उतर जाती है, आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। और फिर इसके बाद डू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट पैरेलली फॉर बेस्ट प्रैक्टिस एंड टू फाइंड योर वीकर एरियाज। अगर आप अभी से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू नहीं करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपका तैयारी का स्तर क्या है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। उस वो जो एक चैप्टर है, या जो कोई भी एक नाम ले लीजिए किसी का भी, आपने देख लिया पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप यूनिट में अकाउंटेंसी में आपको आपका स्तर क्या है तैयारी का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो मॉक टेस्ट लगाने से पता चलेगा। और यहां से आपको वीकर एरियाज आपको पता चलेंगे, आप वीकर एरियाज की एक टेबल बना लेंगे और आप बताएंगे, अपने आप को कहेंगे कि यार ये टॉपिक्स हैं जिन पर मुझे कड़ी मेहनत करनी है, ये ऐसी चीजें हैं जहां पर मुझे और भी ज्यादा
अपने आप को तराशना है। तो ये फायदा होता है मॉक टेस्ट का। इसके बाद और इंपॉर्टेंट बातें, यहां पर हम लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो देखिए, मेक योर वोकैब स्ट्रॉन्ग। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे आप आज की तारीख से ही आप 20-20 नए वोकैब्स अगर स्टार्ट करते हैं, तो 40 दिन भी अगर हैं तो आपके 800 वोकैब्स हो जाएंगे, 800 वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे जो कि नए ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे हैं। और मेरे यकीन मानेगा कि न्यू वर्ड्स या फिर जो ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं एग्जामिनेशन में आपसे वही के वही पूछे जाते हैं, वही के वही आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप इनकी एक नोटबुक बना लें, आप नोटबुक में उनको लिखें, उनका नाम लिखें और उनका मतलब लिखें हिंदी में, और चाहे तो उनका एंटोनिम सिनोनिम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंट रूल्स। लैंग्वेज की बात करें, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करोगे तो यार कुछ नपे तुलाई रूल है जिनसे एग्जामिनर जो है सवाल पूछता है। सीयूटी एग्जाम की बात कर लो, रेलवे की बात करो, एसएससी की बात करो, रेलवे तो नहीं आ रहा है, बैंकिंग की बात कर लो, किसी भी एग्जाम की बात कर लो जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज और जहां भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रूल से ना पे चुराए उन्हीं पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए। और इनकी भी एक नोटबुक बनाओ और इन पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके। कीप रीडिंग ऑन डेली बेसिस एंड सॉल्विंग आरसीज बेस्ड क्वेश्चंस एज इट हैज द हाईएस्ट वेटेज, क्योंकि ये हाईएस्ट वेटेज है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। इस ये समय आ गया है भाई, आपने अब इंग्लिश पढ़ा होगा, आपने क्लास 12 के अंदर वहां भी थोड़ी रीडिंग की प्रैक्टिस करी होगी। आप ये भी देख कर चलिए अभी से आप नए नए पैसेजेस कैसे पढ़ रहे हैं जो नए ट्रेंड में चल रहे हैं, चाहे वो बैंगलोर में आई वाटर क्राइसिस हो, इस तरह की जो चीजें हैं, आप नए टॉपिक्स या न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पढ़ें। टाइम्स ऑफ इंडिया पर जाएं, इंडियन एक्सप्रेस पर जाएं, कहीं भी जाएं, आप रीडिंग की प्रैक्टिस करें। और उससे क्या होना था, जैसे ही आप रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बेस पर आपसे कोई भी सवाल पूछ ले आप उसका तुरंत आंसर कर पाए, ऐसी स्किल आपको डेवलप करनी है। या इसके बाद यार एक वो बनाना है आपको टास्क कि 60 से लेकर 70 सवाल कम से कम ग्रामर पर मुझे सॉल्व करने हैं ऑन डेली बेसिस। आरसी पे तो कर ही रहे हो लेकिन ग्रामर के, कोर ग्रामर के 60 से 70 सवाल डेली बेसिस पर आपको रिवाइज करने हैं। इसके बाद जनरल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीन भागों में बटा होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड QA, रीजनिंग एबिलिटी RA, और फिर आपका GK एंड करंट अफेयर। तो GK एंड करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी से रिलेटेड स्टैटिक GK भी पूछा जाता है। तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर भाई देख लो, डेली पढ़ो, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, दो बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तीन बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इस लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर को छोटे छोटे भागों में आप डिवाइड कर लो और फिर उनको डेली पढ़ो जिससे कि आपको वो न्यूज जो है वो याद होने लगे। स्टैटिक GK आप कोई भी एक बुक भी देख सकते हो, जैसे लूसेंट टाइप आपने बुक देख लिया, वीडियो क्लासेस से बहुत अच्छा समझ में आ जाता है क्योंकि बुक जो है कई बार बोरियस सी बनने लगती है बुक को पढ़ते पढ़ते, तो वीडियो क्लासेस इसका एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी आज से ही स्टार्ट हो गई है, 500+ क्वेश्चन हम करा रहे हैं GK के, तो आप वो देख सकते हो। टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर एंड हाउ टू सोल्व दैम इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी का बात बताएं आपको, तो यार 90 तुलाई चैप्टर्स हैं, उनमें से 90 तुलाई क्वेश्चन ही है। और सबसे बड़ी बात है कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेस्ट टेक्निक क्या होगी या फिर शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहां भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी आते हैं टाइम स्पैन के साथ कि यार इस विद इन टाइम लिमिट हमें सॉल्व करना है, तो वहां पर शॉर्ट ट्रिक काम करती है। आज से ये काम करना शुरू कर दो और 40 दिन तक लगातार करना है। कम से कम 100 सवाल लगाने हैं डेली बेसिस पर, नंबर ऑफ मॉक तो लगाओ ही लगाओ लेकिन 100 सवाल डेली बेसिस पर लगाओ क्वांट रीजनिंग और GK एंड करंट अफेयर के, अगर जनरल टेस्ट में अव्वल होकर आना है तो। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन देन वी हैव ऑलरेडी लॉन्च अ क्रैश कोर्स, www.toprankers.com पर जाइए, सीयूटी 2024 यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर ये फुल डे क्रैश कोर्स आपके लिए है। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए 3 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। केवल एक ओरिएंटेशन क्लासेस के अंदर अभी हुई है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा, तो आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल टेस्ट इस तरीके से चूज कर सकते हैं, अकाउंट, इको, बिजनेस और मैथ्स। फिर आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेपर अगर बटन दबाते हैं तो फिर आप यहाँ पर एक कोड अप्लाई कर सकते हैं जो कि है CUET 2024। ऑनलाइन पेमेंट करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आपको एक कोड मिल जाता है और आप यहाँ पर 2230 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं और आप सीधा बाई पैकेज पर जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बड़े टॉप कॉलेज और टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।